ये बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास सेवन्थ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। जी हाँ, एरिया एंड पेरीमीटर। मैं हूँ हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो चलो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कहा है, इफ़ बेस एंड हाइट इन ए पैलोग्राम आर 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड आउट करना। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि आगे बेस है तो आगे वाली जो ये जो दिया हुआ ना 6 सेंटीमीटर ये बेस माना जाएगा और हाइट बाद में है तो ये बाद वाली जो यूनिट दी हुई है इसको हम हाइट बोलेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, आइए देखिए। तो सबसे पहले बेस लिख लेते हैं, बेस ऑफ पैलोग्राम, बेस ऑफ पैलोग्राम। इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और यहां पर हाइट, हाइट ऑफ इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया एरिया है बच्चों यहां पर बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बच्चों यहां पर बेस है 6 और ठीक है और हाइट है 12। तो अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट करें तो दोनों को अगर फॉर्मूला पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एरिया आता है। ठीक है, तो 12 सिक्जा बच्चों यहां पर होता है 72 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया बच्चों निकल चुका है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आइए करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले इसको रीड कर लेते हैं बच्चों। यहां पर ये देखिए लिखा, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशो 5:3 एंड पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। आइए हम इसकी ब्रेथ बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इसकी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर इसको लेट करना होगा क्योंकि रेशो आया है ना, तो लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 5x। ठीक है बच्चों, और ब्रेथ भी लिख लेते हैं, इक्वल टू 3x। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया और साथ ही पेरीमीटर गिवन है वो भी लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये है बच्चों 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से तो पेरीमीटर से ही हम इसकी साइड फाइंड आउट करेंगे। आइए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2l+b। ठीक है, ये होता है। आइए 2l क्या है हमारी 5x और b क्या है हमारा 3x। ठीक है बच्चों, और इससे क्या निकलता है पेरीमीटर, बट गिवन पेरीमीटर है 48। दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। अब 2 क्योंकि ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, 5x और 3x हो जाता है 8x। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ जाएगा। 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों, यहां पर 2 2 जा 4 2 4 जा 8। ठीक है, इस तरीके से आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो ax के साथ 8 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया तो 8 से कर देते, 8 1 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आ गई बच्चों यहां पर 3। अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रेथ निकालनी है। तो ब्रेथ है बच्चों, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये मैं पूरा लिख लेता हूं। ये देखिए ब्रेथ है बच्चों अपनी 3x। ठीक है बच्चों, तो 3 × 3 यानी 3 3 जा 9 9 सेंटीमीटर की आ गई ब्रेथ आ गई। अगर आपको लेंथ भी निकालनी है तो लेंथ भी मैं निकाल देता हूं, बाकी आंसर तो आपका ये निकल चुका है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल।
तो लेंथ है बच्चों 5x, यानी कि 5 × 3, 5 × 3 = 15, तो 15 सेंटीमीटर लेंथ आ गई बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।